शिव के कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जहां उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनकी सच्चे दिल से पूजा करते हैं। कई कई मंदिरों में भगवान शिव के चमत्कारिक मूर्तियां भी आपने सुनी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको शिव के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल दो बार दर्शन के लिए आते हैं और बाकी के पूरा दिन मंदिर जलमग्न रहता है। दरअसल में हम बात कर रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जमसूर के कवि कंबोई गांव में मौजूद है। बता दें कि यह मंदिर 150 साल पुराना है, जो अरब सागर और खंभांत की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले में शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देख कर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर तो दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां वो शिवलिंग की स्थापना कर दें, और इस तरह से इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। क्यों तो भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में दो बार समुद्र में समा जाता है, और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल में पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है, और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह और शाम दो बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।